और जन चेतना जागृत की, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। देश में, दुनिया में और मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 4000 पॉजिटिव केस आए हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है। मैं प्रारंभ से यह प्रयास करता रहा हूं कि लॉकडाउन अंतिम उपाय है। इसके पहले के सारे उपाय हमको आजमाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जहां जहां यह आवश्यक हो जाएगा संक्रमण रोकने के लिए, वहां लॉकडाउन के विकल्प पर भी परिस्थितियां देख के जाने का फैसला किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 4T की बात कही, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण। उसमें मैं एक टी और जोड़ रहा हूं और वो है टेंडेंसी। हमारी प्रवृत्तियां, मेरा आज भी विश्वास है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लें, मतलब मास्क लगाए बिना ना निकलें, परिवार को ना निकलने दें, सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करें, अगर पात्रता है तो वैक्सीनेशन करवा लें, तो मेरा विश्वास है कि हम इससे बच सकते हैं। इसलिए मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, यह अभियान हमने प्रारंभ किया। मैं तो अब एमपी का मतलब बताता हूं, एमपी हमारा मध्य प्रदेश, लेकिन अब एमपी का अर्थ है मास्क पहनो। इस समय यह प्रासंगिक होगा कि मास्क पहनो, मास्क यानी मेरा सुरक्षा कवच। और इसलिए मास्क पहनना जन आंदोलन बने, उसके लिए सड़कों पर भी मैं उतरा, हमारे साथी उतरे, जनता को प्रेरित करने के भरपूर प्रयास किए। और ये जो स्वास्थ्य आग्रह है, ये कार्यक्रम भी किया। कल मैंने बताया था कि दांडी मार्च, दांडी यात्रा कल समाप्त हुई थी, तब हमने स्वास्थ्य आग्रह प्रारंभ किया। हमने एक और उपाय किया है कि अकेला प्रशासन नहीं, समाज लड़े प्रशासन के साथ मिलकर इस बीमारी से। इसलिए हमने वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए आह्वान किया था। मुझे बताते हुए खुशी, अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों ने वॉलंटियर के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाया है। यह संख्या और बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। ये वैक्सीनेशन स्वयं, ये चार इनकी श्रेणियां हैं, एक वैक्सीनेशन स्वयं सेवक, ये वैक्सीनेशन के काम में सहयोग करेंगे, एक चिकित्सा सुविधा स्वयं सेवक, ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देंगे, परिवहन में सहयोग करेंगे, मास्क जागरूकता स्वयं सेवक, ये मास्क वितरण, मास्क के लिए रोको टोको अभियान में लगेंगे, मोहल्ला टोली संगठन स्वयं सेवक, ये होम क्वारंटाइन में मददगार होंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मदद करेंगे, अपनी गली अपने मोहल्ले की जवाबदारी भी लेंगे। मित्रों, जन अभियान परिषद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर्स,
इन वॉलंटियर्स को जिले में एक टीम के रूप में संगठित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम जनता के सहयोग के लिए इनको मैदान में उतारेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना की लड़ाई में इन वॉलंटियर्स का जो सहयोग मिलेगा वो बहुत उपयोगी होगा। कल से मैं समाज के अलग अलग वर्गों से लगातार बात कर रहा हूं, सबने इस बात का समर्थन किया है कि मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। कुछ ने तो कल सुझाव में यह कहा कि मास्क नहीं तो साथ नहीं। ये मास्क का अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है और मेरा विश्वास है कि जनता जब इसे अपना लेगी तो यह अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल होगा। कल मैंने मध्य प्रदेश के 52 जिलों से ही चर्चा की, अलग अलग धर्मगुरु पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आज बैठे थे, उनसे भी चर्चा हुई और जनता की तरफ से कई सुझाव आए। ये सुझाव जो अलग अलग आए हैं मैं संक्षेप में उनके बारे में बता के फिर उन पर जो निर्णय हम कर रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। उनमें से एक आपके लिए, लोगों ने कहा कि टीवी, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में कोरोना से बचाव हेतु सकारात्मक खबरें भी प्रसारित होनी चाहिए ताकि नकारात्मकता नहीं, कोरोना से लड़ाई में सकारात्मकता भी बढ़े। कोरोना संक्रमण से जूझने वाले योद्धाओं की कहानियों को प्रसारित किया जाना चाहिए। कोरोना स्वयंसेवकों को ऑटो जनरेटेड परिचय पत्र देना चाहिए। जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में मोबाइल वैन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाना चाहिए। मास्क नहीं तो सामान नहीं का स्लोगन दुकानों पर लगाया जाना चाहिए। साप्ताहिक हाट बाजार को भी अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करना चाहिए। हर एक जिले में कोविड मित्र डेस्क की स्थापना होनी चाहिए। निजी चिकित्सालयों में कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। अलग अलग तरह से लोगों को यमराज, चित्रगुप्त जैसे पौराणिक जो चरित्र है उनके माध्यम से भी समझाने की कोशिश होनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव लेकिन जिनमें सिम्टम नहीं है या बहुत कम सिम्टम लक्षण है उनके घर पर उपचार का प्रोटोकॉल जारी किया जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए रेट लिस्टें लगनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में भी कोरोना के संक्रमण को रोकने की जागरूकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अनेकों सुझाव लोगों ने दिए हैं, मैं सब सुझाव को आपके सामने नहीं रख रहा लेकिन उन सुझाव के आधार पर आज कुछ फैसले हम लोग कर रहे हैं। एक तो कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर की कमी ना हो पाए ये एक बड़ी चुनौती है। अभी मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट मिला के 24,000 बिस्तरों की व्यवस्था है। कल तक 11,500 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, यह संख्या रोज बढ़ेगी इसलिए 24,000 बिस्तरों से बढ़ा के ये संख्या 36,000 बिस्तरों की जाएगी और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ हम निजी चिकित्सालयों का भी सहयोग ले रहे हैं। हर वो निजी चिकित्सालय जो कोविड का उपचार कर सकता है वो कुछ बेड आरक्षित करें कोविड की बीमारी के लिए। ये
उनको निर्देश और आग्रह दोनों किए जा रहे हैं। निःशुल्क इलाज के लिए भी कम से कम 15,000 बिस्तर उपलब्ध रहे, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों में, जैसे भोपाल में LNCT, दूसरा है पीपुल्स अस्पताल, अब इनमें हम बिस्तर LNCT को तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में ही हम बनाएंगे, और पीपुल्स में भी बाकी बिस्तर सरकार बुक करेगी, ताकि निःशुल्क इलाज हम गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहनों का कर सकें। इसी तरह से हमने इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, जहां संक्रमण जहां ज्यादा है और प्राइवेट अस्पताल हो सकते हैं, वहां भी व्यवस्था करने का निर्देश हमने दिया है, ताकि गरीबों के इलाज को और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज को, मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज को हम निःशुल्क कर सकें। फीवर क्लिनिक 720 संचालित करेंगे, अभी किए जा रहे हैं, ये कुल मिला के इनकी संख्या 720 की जाएगी। और रोज 40,000 संदिग्ध मरीज, मतलब जिनको थोड़े भी लक्षण है या जो टेस्ट कराना चाहते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। हमने निजी अस्पतालों में, क्योंकि ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जांच के लिए पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, कुछ टेस्टों की तो हमने जांच की दरें तय कर दी है, जैसे RT-PCR 700 रुपया, रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 रुपया, सीटी स्कैन 3,000 रुपया, ये अधिकतम सीमा बता रहा हूं, ABG टेस्ट 600 रुपया, डी डाइमर टेस्ट 500 रुपया, प्रो कैल्सीटोनिन टेस्ट 1,000 रुपया, CRP टेस्ट 200 रुपया, सीरम फेरिटिन टेस्ट 180 रुपया, IL-6 टेस्ट 1,000 रुपया। अगर कोई आग्रह करेगा कि सैंपल घर से लें, तो उसके लिए अधिकतम 200 रुपया अतिरिक्त लिया जा सकता है, जो घर पे सुविधा चाहेगा। इसके अतिरिक्त हर प्राइवेट अस्पताल को अपने यहां उपचार का जो दरें हैं वो लगानी पड़ेगी बाहर, और वो न्याय संगत होगी। हमको प्राइवेट सेक्टर का सहयोग चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए, लेकिन दरें अनाप शनाप ना हो, इसलिए उनको, उन दरों को सामने डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि यदि कोई ज्यादा पैसा लेता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मैं सहयोग चाहता हूं और अपील भी करता हूं, ये समय अधिकतम धन कमाने का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है हमें अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए, इसलिए न्यायोचित दरें रहे, और इसलिए वो सामने लगा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, तो जनता को पता रहेगा और सरकार को भी पता रहेगा। हमने जो मरीज ने, एक हमने जिन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां किल कोरोना 2 अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत घर घर सर्वे करते हुए संभावित मरीजों को चिन्हांकित किया जाएगा और उनके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। कुछ जिले हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत है, और इसलिए वहां किल कोरोना 2 अभियान चलाया जाएगा। एक हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल तैयार करके लागू किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि हर पात्र मरीज को अस्पताल में एडमिशन दाखिला मिल जाए, लेकिन जिनको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है कि घर में ही इलाज होम आइसोलेशन में हो सकता है, तो हम घर पर आइसोलेट करके उनका उपचार कर सकेंगे। इसमें अनावश्यक रूप से अस्पताल के बिस्तर ना भरे, इसका यह लाभ हो पाएगा।
जो मरीज होम आइसोलेट होंगे उनकी प्रतिदिन दो बार वीडियो कॉलिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और आकस्मिक निरीक्षण करके इसका सत्यापन भी किया जाएगा कि वो कहीं घर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी, हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर अब जरूरी है, इसलिए कि अगर गरीब है और पॉजिटिव है, घर छोटा है, घर में रहेगा तो बाकी सबको भी पॉजिटिव कर देगा। और इस बार की बीमारी के लक्षण यह है कि पहले एक दो पॉजिटिव आते थे तो दो चार पांच नेगेटिव भी आते थे। इस बार अंतर यह आया है कि परिवार के परिवार पॉजिटिव हो जाते हैं, और इसलिए कोविड केयर सेंटर अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको रखेंगे तो परिवार के बाकी लोग बच सकेंगे। एक और जनता की तरफ से सुझाव आया है, ये तकलीफ भी है, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की और उसकी कीमतों की भी। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिए हैं कि एक तो इसके उपयोग के संबंध में एक SOP एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए, डॉक्टर तय करें एक प्रोटोकॉल के तहत किस मरीज को इंजेक्शन लगेगा। कई जगह जरूरत नहीं और इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां जरूरी है वो इंजेक्शन लगना चाहिए। और इसका अभाव दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर इसकी खरीद कर ली जाए, ये निर्देश मैंने आज दिया है, ताकि हम जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको निःशुल्क इस इंजेक्शन को लगवाने की व्यवस्था कर सकें। आज निर्देश दिए हैं, उसका जो नियम प्रक्रिया थोड़ी होती है वो बनानी पड़ती, उतना बना के सरकार इसको खरीदेगी, इसका इंतजाम किया जाएगा। मास्क, ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि ना हो, इसके लिए भी हम कदम उठाएंगे। जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनको परिचय पत्र प्रदान किए जाएंगे ताकि वो टीम के साथ जुड़ के ठीक से काम कर सकें। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी आम जनता को हो, ताकि ये पता चल सके कि किस अस्पताल में बिस्तर खाली है, इसकी व्यवस्था भी हम बनाने जा रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों का सभी पात्र अस्पतालों में निःशुल्क इलाज सुनिश्चित हो, सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, चिकित्सा जांच और अमले की उपलब्धता और मॉनिटरिंग करके सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन के बारे में कई तरह के संदेह कल से तैर रहे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हम नहीं आने देंगे। मित्रों, गरीब को मास्क भी उपलब्ध हो जाए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रोज मास्क बदलने की जरूरत नहीं है। मास्क अगर हम ऐसा बनाते हैं कि धोके फिर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एक मास्क को रोज धोके साबुन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। दो मास्क हो तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन गरीबों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध हो, इसके लिए हम हमारे जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत जो हमारे महिला सेल्फ हेल्प और महिला उद्यमी ग्रुप है उनसे 10 लाख मास्क बनाने के ऑर्डर अभी दे रहे हैं, ताकि जहां आवश्यकता हो मास्क निःशुल्क भी उपलब्ध करा सकें। मैं सक्षम भाई बहनों से अपील करता हूं